अथिया, अथिया? जी, अथिया से कोई काम था? अथिया कहाँ गई भी है? वो तो तायजान के घर गई है। मुझे नोट्स चाहिए थे उसे। सारा, आप परेशान ना हो, मैं खुद पहुंचा दूंगा आपको नोट्स। सारा, चाय पियेंगी आप? नहीं। सुनिए, कुछ नहीं। मोहतरमा कहाँ गई थी? मैं अथिया से नोट्स लेने गई थी। फिर नोट्स कहाँ? वो घर पे नहीं थी। तुम झूठ पे झूठ क्यों बोलती हो? साफ साफ क्यों नहीं कहती? हारून से मिलने गई थी। हारून तो घर पर था ना? जी, वो घर पे था। उसी ने बताया था कि अथिया नहीं है, खाला के पास गई थी। अच्छा, मैं तुम्हारे सारे सिलसिले जानती हूँ कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। आने दो तुम्हारे बाप को, बताती हूँ सारी तुम्हारी राम कहानी। मुझे समझ नहीं आता, आप मेरे बारे में इतना बुरा क्यों सोचते हैं? तुम्हारे बारे में मैं बुरा सोचती हूँ या अच्छा, ये तो तुम्हारे बाप के आने के बाद ही पता चलेगा। अरे हरुण भाई, आप? हाँ, वो मैं सारा को नोट्स देने आया था। ये क्या है? आपके हाथ पे सारा का नाम? सारा? अरे कुछ नहीं है, अरे कुछ नहीं है। अरे सारा, 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 मुझे लगता है हारून भाई तुम्हें बहुत चाहते हैं। उन्होंने तुम्हारा नाम अपने हाथ पर लिखा है। हे अल्लाह, कितना दर्द हुआ होगा उन्हें। ये क्या कह रही हो तुम? बता मिसरी, बता मुझे। अथिया के घर बहाने बना बना कर इसलिए तो जाती थी ना? हुँ? बता मुझे। ऐसा कुछ भी नहीं है। चल मेरे साथ, चल। अम्मी आ जाते, मुझे सच सच बता, ये तेरे इश्क मशूकी के चक्कर कब से चल रहे हैं? मैं कसम खाती हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मालूम। अच्छा, वो यूं ही तेरी मर्जी के बगैर कलाई पर नाम खुदवाए फिर रहे हैं? ये मुझे नहीं पता। आने दे तेरे पास, सारी बात सच सच बताऊंगी। सारा दिन वो ऑफिस में मगजमारी करता और बेटी यहाँ चन चढ़ा रही है। अम्मी प्लीज, अब्बू को मत बताइएगा। क्यों ना बताऊं? क्यों ना बताऊं? अच्छा सिला दिया तूने मेरी तरबियत का। अम्मी जी, सारा का कोई कसूर नहीं, वो सच कह रही है। तू चुप कर, गजब खुदा का, मुझे पता ही नहीं है और मेरे घर में सोनी महिमाल के किस्से चल रहे हैं। अम्मी जी, आप बात को गलत क्यों लेकर जाती हैं? अगर ऐसा कुछ होता तो सारा मुझे जरूर बताती। कि तुझे क्यों बताने लगी? मिसरी है, गुन्नी है बाप की तरह, ये कुछ नहीं बताएगी तुझे। छाप चुप सारा, तुम अंदर जा, चलो उठो। मुझे क्या पता था? अम्मी जी, शायद अब्बू को कुछ मत बताएगा। तू इसकी ज्यादा तरफदारी मत किया कर। सारा तुम्हारी सुतेली बहन है और मैं तुम्हारी सकी माँ। अम्मी जी, सारे ने मुझे कभी सौतेले नहीं समझा। अच्छा, जब वो तेरी अच्छी तरह जड़ें काट देगी ना, फिर तुझे पता चलेगा। अपने साथ तुझे भी बर्बाद कर देगी और साथ कहेगी जी, सारा मेरी नहीं बल्कि आप सारे की जड़ें काट रही हैं। दफा हो जाओ यहाँ से, खींच के लगाऊंगी एक तरह चांटा तुम्हारे तुम्हें नजरों से। एक से बढ़कर एक मनहूस, उसको देख देख कर ये भी जुबान चलाती है मेरे साथ। करती हूँ इलाज, आने दो इसके बाद। एक एक बात बताऊंगी, बल्कि चार लगा के बताऊंगी। आप ऑफिस घर पर ही उठा कर ले आए? ऑफिस का काम ऐसे ही होता है। कभी मेरी कोई बात भी सुन लिया करें। जी सुनाओ। बात ही ऐसी है, ना कहा जाए और ना रहा जाए। क्या मतलब? नहीं बताऊंगी तो कहेंगे पर्दे डालती रही, और अगर बताऊंगी तो कहेंगे सोतेली है। जो बात करनी है खुलकर करो। आपकी सारा ने चन चढ़ा दिया है। क्या किया उसने? वो सदीकी साहब है ना,
उनके घर जाया करती थी और मैं भी जाने देती थी। अतिया उसकी सहेली है। ओहो, हुआ क्या? होना क्या था, अतिया के भाई हारून से चक्कर चला लिया। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही, आप बुलाएं हारून को। बाजू पर नाम लिखवाए फिरते आपकी चहेती का। अब यही कहेंगे सौतेली इल्जाम लगा दिया। क्या मैंने तुम्हें इसलिए पाल पोस के जवान किया था कि बड़ी होकर तुम मेरे मुंह पे कलक बोल दो? अबूजी प्लीज। तुम हट जाओ, इसमें मत आओ। बताओ अबूजी, सारा का कोई कसूर नहीं है। तो बताओ तुम इसके साथ शामिल हो? आप मुझ पर भी शक कर रहे हैं? अब मुझे किसी पर एतबार नहीं है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जी तो चाहता है कि अपने हाथों से तुम्हें मार डालूं। ठीक है, अबू जान से मार दे मुझे, लेकिन शक तो ना करे मुझ पर। अच्छा, तो हारून ऐसे ही कलाई पर नाम लिखवाए फिरता है? जी आप तो चुप करें, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। अरे कैसे नहीं जानती, तुम सब जानती हो। वो इतना बड़ा कदम ऐसे नहीं उठा सकता। कोई जज्बा तो है सारा, कोई जज्बा तो है जिसकी तुम बराबर की शरीक हो। मैं ऐसी नहीं हूँ। तुम जैसी भी हो मुझे सब पता है। अब तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। अकेला कर दिया तुमने मुझे, कलेजा फट गया है मेरा। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सारा। अगर मेरा बेटा दानी होता ना तो मैं देखता। अरे किसकी जरूरत थी जो तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी देखता। मेरे बेटे की याद ताजा होगी। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी सर। मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा मैं उसे। सुबेर, सुबेर एक मिनट रुके तो सही। सुबेर, मैं सिद्दीकी साहब से भी बात करूंगा। कमाल कर रहे हैं आप, बदनामी को घर लाने से गंद ही उछलेगा। मोहल्ले वाले सुनेंगे, बातें बनाएंगे, खाक इज्जत रहेगी हमारी। अरे मैं खून पी जाऊंगा उस कमीने का। हाँ खाने ना, बदनामी हो जाएगी। सदीकी साहब की बेगम से मैं खुद जाकर बात करूंगी। हद होती है, मोहल्लेदारी का जरा भी ख्याल नहीं किया उस बदसात ने। डाइन भी साथ घर छोड़ देती है। कसूर तो सारा का है, अपना ही खोटा सिक्का हो तो फिर किसी पे क्या दोष। मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया। पता नहीं कैसे एक्साइटमेंट में मेरे मुंह से निकल गया। जिसे भी इस बात का दुख है, क्या अबू का एतबार मुझ पे से उठ गया? नहीं सारा, वो सिर्फ गलत फहमी है। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। नाश्ता क्यों लेके आई हो? वो गैरतमंद शख्स है, उसके हलक से एक निवाला नहीं उतरेगा। जहर ला दे उसको ताकि वो तेरे कारनामे ही ना देख सके। ऐसे क्या देख रही हो? खाएगी मुझे? दबा दे यहां से। यूफोन सुपर कार्ड, जिससे मिले सुकून महीने भर का। इसमें ना कोई इजाफी टैक्स, ना किसी किस्म के कॉल चार्जेस और ना ही रेट्स का हिसाब किताब। यूफोन तुम ही तो हो।
अबू चाय। ये चुपके घोड़े नहीं मारे और बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, सब मैं मर जाऊंगी। प्लीज, ये गलती करने से पहले सोचना चाहिए। मेरी बेटी पर एतबार करे, भरोसा तो करे। मैं कुछ नहीं किया। अगर हारून की कलाई पे मेरा नाम था, इसे मेरा क्या कसूर है? वो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह है, बिल्कुल दानियाल भाई की तरह। मुझे पता है मैं बहुत बुरी हूँ। आप मुझे इस गुनाह के लिए माफ कर दें जो मैंने किया भी नहीं। मैंने कुछ नहीं किया। हाय हाय, ये क्या कर रही हो तुम? बाप की खिदमत करके तुम्हारे गुनाह धुल नहीं सकते। अभी मुझे जूते पॉलिश करने थे। इधर, मैं खुद पॉलिश कर लूंगी अपने मियाँ के जूते। नापाक हाथ मत लगा तू इनको। सारा, जूता अपनी माँ को पॉलिश करने दो। जाओ बेटी, मेरे लिए नाश्ता। तोशा, जूते पॉलिश करके देती हूँ, बड़े आए। सारा और हारून वाली बात पूरे मोहल्ले में फैल गई। तुम्हें किसने कहा? आज मैं सुबह एक बार बाजार गई, अख्तरी खाला मिली थी, पूछ रही थी। मैं तो भाई साफ ही मुकर गई। क्या कह रही थी अख्तरी खाला? यही कि हारून और सारा का कोई चक्कर वक्कर है। अच्छा अम्मी, तो फिर मेरी भी बात सुने। अगर खाला ने इतना सब कुछ कहा तो आपने उनका मुंह क्यों नहीं तोड़ दिया? अच्छा, अब मैं मार्केट में उनसे लड़ाई शुरू कर देती। ठीक है, आने दे अबू ने घर। दरवाजे से चलता ना कर दिया ना तो मेरा नाम भी मायरा नहीं, पर का कौवा बनाना तो कोई उनसे सीखे। बस बेटा, गुस्सा नहीं कर। अबू जी वो फजूल की बकवास करती हैं और अम्मी जी भी उन्हें कुछ नहीं कहती। जो होना था सो हो गया। राई होती है तो पहाड़ बनता है। ना कोई राई थी ना पहाड़, कुछ भी नहीं। अब इस बात को यही खत्म कर। मैंने तो खत्म कर ली, लेकिन लोग खत्म करें तब ना। मेरी बेटी ने मुझसे जो कुछ भी कहा, मुझे उस पर भरोसा है, वो गलत नहीं कह सकती। कितने साल बीत गए हैं, लेकिन हारून वाला किस्सा खत्म नहीं होता, क्योंकि अम्मी खत्म नहीं होने देती। यार मुझे उसका ख्याल इतना डिस्टर्ब करता है। तुम्हें पता है हम आप मेरी नर्स पे सवार हो गए। अरे हाँ याद आया, हम आप तो हैदराबाद जा रहा है। झूठ मत बोलो। क्या जरूरत है तुमसे झूठ बोलने की मावा? 100 दफा मेरे घर अगर आना चाहती हो तो, लेकिन याद रखो जिसके लिए आ रही हो वो यहाँ नहीं होगा। ताउमर ये किताबें मेरी सौतन बन के रह गई। शुक्र करें कोई जीती जागती सौतन नहीं आई। अगर वो होती ना तो अच्छा होता, कम से कम हम बात ही कर लेते भाई, लड़ी लेते। तो पहले बताना था ना, मैंने खामखा किताबों से दोस्ती कर ली। ए
ऐसे ना देखें, मैं आपकी सीधी नजरें नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो इन शोरीदा नजरों की ताब कहां से लाऊंगा। ऐसे ना देखें जनाब, दिल का मरीज हूं। तो ये आप दिल के मरीज कब से हो गए? जमाना हुआ जब से आप मेरे दिल में आन बसे। ये जो आप अफसानवी किताबें पढ़ते हैं ना, खुद को आपने एक अफसानवी कैरेक्टर बना लिया। अच्छा वो बात बताएं जो कहने के लिए आप इतनी देर से यहाँ खामोश बैठी हैं। और हम बात को हैदराबाद ना भेजे ना। अच्छा 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 तो अपने लाडले बरखुरदार की सिफारिश करने आएंगे यहाँ। जनाब हैदराबाद तो उसने जाना होगा क्योंकि कारोबार तो उसी ने देखना है। हाँ उसके लिए जरा मुश्किल हो जाएगा ना। आप ऐसा करें सज्जाद को भेज दीजिए। नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं ऐसा कोई रिस्क नहीं ले सकता। सज्जाद पे मुझे कोई भरोसा नहीं। भाई उसकी बीवी उसके साथ होगी। नहीं जनाब क्या भरोसा, फिर उन्हीं पुराने रास्तों पे चल निकले तो। और अगर हम ही उन रास्तों पे चल निकले तो। सवाल ही पैदा नहीं होता। नो वे, हमारा ऐसा है ही नहीं। बहुत मुख्तलिफ है वो भाई से, पूरे तालीमी कैरियर में कभी उसकी ना कोई शिकायत आई ना स्कैंडल बना। एक गर्लफ्रेंड वगैरह के खराफात से वो बहुत दूर है। हीरा बेटा है मेरा, हीरा मान है मेरा। बहरहाल उसे काम पे जाना पड़ेगा क्योंकि उसे तजर्बे की जरूरत है। अच्छा ये किताबें कब तक पढ़ते रहेंगे आप? सुबह आपको ऑफिस भी जाना है। बस एक चैप्टर के चंद सफे बाकी हैं, पढ़ के फिर मैं सो जाऊंगा। और दवाइयां खा ली आपने? मेडिसिन में मिलेगी। अच्छा तो फिर कैसे चल रहा है? यार रात के 2 बज गए, तो फोन बंद कर दो। अच्छा राय अपनी सारा अब खफा हो रही है। ओके अच्छा बाबा सोचूंगी, अब मैं फोन रखती हूँ। बाय। सुनो इतने घंटे बात करती हूँ, बहरी हो जाओगी तो क्या करूंगी? इशारों की जबान सीख लूंगी मैं। अच्छा सारा मुझे एक मशवरा तो दो। रात के 2 बजे तुम्हें क्या मशवरा चाहिए? हाँ ना वो ताहिर मुझसे कह रहा है कि मिलो, वरना 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 वो फोन नहीं करेगा। तो ना करे। ऐसे तो ना कहो। देखो उससे कहो कि सीधी तरह रिश्ता भेजे। क्या बिना देखे वो कैसे रिश्ता भेज सकता है? कुछ लोग शादी के बाद ही एक दूसरे को देखते हैं पहली बार। मैडम जी आप कौन से जमाने में जी रही हैं? ये 21वीं सदी है और तुम अपने मशवरे ना अपने पास ही रखा करो। मावा मुझे याद है अपना वादा भाई, पर तुम समझ नहीं रही हो, हमार बहुत ही रिजर्व बंदा है। So what? I don't care. तानी मैं तुम्हारे घर आ जाऊं? आ जाओ यार, लेकिन देखो प्लीज कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। कजन हो तुम मेरी, तुम्हारी वजह से मेरा इम्प्रेशन खराब हो सकता है। ऐसा नहीं होगा यार, मुझे उसका ख्याल इतना डिस्टर्ब करता है। तुम्हें पता है हम आप मेरी नर्व्स पे सवार हो गए। अरे हाँ याद आया, हमार तो हैदराबाद जा रहा है। झूठ मत बोलो। क्या हजरत है तुमसे झूठ बोलने की मावा, 100 दफा हो मेरे घर अगर आना चाहती हो तो। लेकिन याद रखो जिसके लिए आ रही हो वो यहाँ नहीं होगा। अच्छा फिर क्या बात है? कितनी सेल्फिश लड़की है यार। Oh.
ओ बेटा, सत्यानाश कर लिया तुमने बालों को, देखो कैसे सब बेजान बाल हो रहे हैं तुम्हारे। अम्मी बस करें, तुमने नए नए शैम्पू लगाकर बेड़ा फर्क कर लिया अपने बालों का। अब ऐसा भी नहीं है, मेरे बाल तो बहुत खूबसूरत और सिल्की हैं। आपको पता है कॉलेज की सारी लड़कियां रश खाती हैं मेरे बालों पे। अपनी माँ को दो दुआएं जिसने तुम्हारे बालों की हिफाजत करके तुम्हारे इतने अच्छे बाल कर दिए, वरना तुम्हारा बस चलता ना चार बाल ही होते तुम्हारे सर पर। ऐसा करे क्या हो गया? अभी तो मैंने अच्छी तरह जज भी नहीं किया और पहले शोर मचाना शुरू हो गई। अम्मी इतनी जोर से नहीं करते, बाल टूट जाएंगे। ब्यूटिशियन कहती है हमेशा मसाज हल्की करनी चाहिए, आप तो पूरे बालों को ही रगड़ देती हैं। अच्छा, अब तो माँ को सिखाएगी? सिखा नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। आपको पता है वो टीवी वाले भी टीवी वालियों को कुछ नहीं पता होता। मेरी माँ सर पे तेल लगाकर अच्छी तरह रगड़ती थी और ले लश बाल हो गए थे मेरे। ये सारा की बच्ची पता नहीं कहाँ मर गई है, हंडिया चढ़ानी है, इतना टाइम हो चुका। ओ, ताहिर का फोन आ रहा होगा। क्या हुआ अम्मी? वो मेरा फेवरेट ड्रामा रिपीट हो रहा, मैं वो देखने जा रही हूँ। तौबा रही, मजा ले कोई काम ये लड़की ढंग से करने दे, तेल तो ढंग से लगवा लेती। What's up, Mama? आगे मी जान? पापा से बात हुई है आपकी? वो नहीं मानते। I saw new that. अपने जिद के पक्के हैं ना? ये बिजनेस तो तुम दोनों ने संभाल लिया, तुम चले जाओ क्या फर्क पड़ता है? तो मामा सजाद भाई क्यों नहीं चले जाते? वो तो पहले भी वहां पर रह चुके हैं ना, इज़ फैमिलियर विद द सिटी ऑलरेडी। उसकी नई नई शादी हुई है मीजा तानिया, अब रोज रोज वहां से लेके तो नहीं जा सकती ना, यहाँ से तो फिर भी उसके लिए आसान है। तुम चले जाओ, तुम्हारी चेंज फ्री हो जाए। जाना तो पड़ेगा, आप लोगों को इनकार तो कर सकता नहीं। आप मेरी पैकिंग स्टार्ट कर दें, आई विल गो वेरी सून। यार मायरा प्लीज मत जाओ। क्या हो गया? मैं उससे वादा कर चुकी हूँ, अब्बू को अगर पता चल जाए ना तो जीते जी मर जाएंगे। सुनो ऐसा कुछ नहीं होगा, जब तुम पे इतना बड़ा इल्जाम लगा तो अब्बू जी मरे, मुझसे ताहिर से मिलने से मर जाएंगे। कितनी मुंहफट हो गई हो तुम। अच्छा बस ठीक है, मैं होम टाउन तक कॉलेज आ जाऊँ, ठीक है? हेलो, आई एम ताहिर। अच्छा तुम तो कहती थी घर से निकल नहीं सकती, देखो कैसे निकाल ले, मानती हो ना? वैसे एक बात कहूं, जैसा सोचा था उससे बढ़कर पाया। मुझे बहुत डर लग रहा है, किसी ने देख लिया तो? समझो सारी दुनिया अंधी है इस वक्त, ये लो। ये क्या है? बम नहीं है, मोबाइल फोन है, अब तुम मुझसे आराम से बातें कर सकते। थैंक यू। चले अब, बहुत देर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम आजी। वालेकुम अस्सलाम मेरी प्यार। Look at you, looking gorgeous, माशाल्लाह से। Thank you। तानिया से मिल आई? जी। हाँ तो वो तो अपने कमरे में है। और सजाद भाई? सजाद तो सुबह सुबह ऑफिस चला गया। क्यों?
खास काम था उससे? नहीं एक्चुअली अगर सजाद भाई कमरे में होते हैं तो फिर मैं नहीं जाती। बहुत अक्लमंद हो गई हो तानिया, अपने कमर में जाओ उससे मिलो। थैंक यू। चाय भी पिलाऊं तुम्हारे लिए? नहीं थैंक्स आंटी। कॉफी? नो थैंक यू। अच्छा कुछ नहीं। तो परेशान क्यों? ताहिर कैसा लगा? एकदम स्टूपिड सा। क्यों यार, वो बिल्कुल घामर सा है। तुम्हें तो बगैर देखे मोहब्बत हो गई थी उससे। उस जैसे इंसान से मोहब्बत इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि यार वो मेरे ख्वाबों ख्यालों से बिल्कुल नहीं मिलता। अच्छा चलो छोड़ो, दफा कर। मेरे पहले ही कहा था ये हरकतें फजूल होती हैं। नहीं अब ऐसे तो दफा नहीं करूंगी मैं उसे। मैं समझी नहीं। ये देखो ताहिर ने मुझे दिया है। ये क्या है? मोबाइल। जब तुम्हें उससे दोस्ती नहीं रखनी तो फोन क्यों लिया? अम्मी ने देख लिया ना मायरा तो बहुत जूते पड़ेंगे तुम्हें। यार मैं बेल बंद रखूंगी इसकी, और वैसे भी ना अब रोजाना रात को वो खटारा फोन लाने की झंझट नहीं होगी। हर वक्त एक डर का लगा रहता था। हाँ वैसे टाइम पास के लिए अच्छा है ताहिर। तुम ठीक नहीं कर रही हो मायरा। यार एंजॉय करने दो, अब वो कोई फोन से निकल कर मुझे खा तो नहीं जाएगा ना। इसी बहाने एंजॉय कर लूंगी मैं। मायरा इधर आओ। आई अम्मी। आजकल के लोग शरीफ और खूबसूरत लड़कियों को पसंद करते हैं। सारा है तो खूबसूरत, लेकिन क्या करूं सदीकी साहब के बेटे के चक्कर की वजह से बदनाम होकर रह गई है। जब तक सारा का रिश्ता नहीं हो जाता मायरा की बात मत किया। क्यों? सारा की खातिर सारी जिंदगी मायरा को घर में बिठाए रखेंगे क्या? मायरा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अम्मी को भिनक भी पड़ गई तो क्या होगा? अम्मी उसका मोबाइल ना पकड़ पाए। ए शहजादी किन ख्यालों में घूमो? बर्तन धो रही थी। जी बर्तन धो रही थी। बुत तुम्हारा यहाँ, ख्याल तुम्हारा कहीं और है। सब जानती हूँ मैं, सारी उम्र ऐसे नहीं गुजारी मैंने। पता नहीं अपने बाप को क्या मस्का लगा है, मेरी तो कोई बात सुनता ही नहीं है वो। हमारे अब्बा आगे चाय बना कर ले आओ। वो खाना नहीं खाएंगे। जो तुम्हें कहा करूँ ना चुपचाप वैसे ही कर दिया करो। चाय ले आओ। अच्छी पिक्चर्स आई हैं। सजाद ये वाली देखिए, दिस इज रियली नाइस। आई थिंक इट्स द बेस्ट। क्या है, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ऐसे क्या देख रहे हैं? तुम्हें देख रहा था और सोच रहा हूँ कि क्या तो बाकी तुम खूबसूरत हो या मुझे लगती है। तुम मेरी पहली और आखिरी माँ, दिल करता तुम्हें देखते ही हूँ। ओह गॉड। जी भाई की बेटी पहली, यू आर वेरी प्रिटी। सोचता हूँ तुम मेरी किसी नेकी का सिला। अच्छा जी, तो मौसूफ ने कोई नेकी की है इस दुनिया में? शायद की। अच्छा मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करें, ये अच्छी तस्वीरें आई हैं। आई वांट टू। चलो अच्छा मुझे भी दिखा। तुमने जो मोबाइल दिया ना मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा बस कर दो, बहुत नींद आ रही है। अच्छा ताहिर हम कल बात करते हैं, सारा गुस्सा हो रही है। सारा ताहिर कह रहे हैं कि तुम जेलिस हो रही हो।
मैं क्यों जेलस होंगी? इतनी तो फ्रेश स्किन है, क्या जरूरत है ये रोज लगाने की? जब ही तो फ्रेश है, इतना ख्याल जो रखती हूँ। मायरा, कभी कभी मुझे लगता है तुम्हें ताहिर से प्यार हो गया है। सारा, प्लीज लाइट बंद कर दो। मैं सीरियस बोल रही हूँ, तो मुझे वाकई में डर लगता है कि लोगों को पता चल गया तो पता। सारा प्लीज लाइट बंद कर दो, तुम्हें कब डर नहीं लगता? तो भी लाइट बंद कर देना। मैंने मम्मी मेरी जान, इस वीकेंड पे घर आ जाते तो अच्छा होता। बस मामा मूड नहीं हुआ, मैं यहाँ पर दिल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, अपने काम को काफी एंजॉय कर रहा हूँ मैं। वेरी गुड मेरी जान, अपनी माँ को तो ना भूलो ना। ये कैसी बातें कह रही हैं आप? आपका भला मैं कभी भूल सकता हूँ? आप तो मेरा पहला प्यार है और पहला प्यार कभी नहीं भूलता। ज्यादा बदमाशी की बातें मत करो, ये बताओ वक्त पे खाना खाते हो ना? जी मामा, वक्त पे खाता हूँ, पेट भर के खाता हूँ। आई एम बिकमिंग मोर ऑफ अ ग्लटन। और वैसे भी आपको पता है कि बचपन में कितना मोटा होता था, इसी घर में इतना खाना खाया और यहाँ से वहाँ भागा फिरता था। हाँ वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मामा मैं आपसे कौन सा दूर हूँ, आप बस बुलाएंगी तो दौड़ा चला आऊंगा। मुझे पता है मेरी जान, मुझे बहुत चाहता है, लेकिन इस वक्त तुम हो कहाँ? बस मामा सोचा था जाके जॉगिंग कर रहा हूँ, बोर हो रहा था घर में बैठे बैठे। चलो ठीक है, मैं बंद कर रही हूँ, बाद में बात होती है, ठीक है? एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ मीजान। ऑलराइट मामा, यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आज ही मैंने तुम्हें ख्वाब में देखा था और आज ही तुम आ गई। बहुत लंबी उम्र होगी तुम्हारी भाई। अरे बहन, गर्मी में और कितने चक्कर कटवाओगी? अब बस मैं फाइनल जवाब देके जाऊंगी आज। आ जाओ बैठ के बात करते हैं। और सुनाओ बहन, क्या हाल है तुम्हारे? बस मैं तो ठीक हूँ, गर्मी ने जान निकाल रखी। हाँ गर्मी तो बहुत है, मैं तुम्हें शरबत पिलाती हूँ। सारा सारा एक जग शरबत का बनाकर लाओ। और सुनाओ क्या हाल है? अरे मैं क्या सुनाऊँ, तुम बताओ कि क्या तय पाया। वो लोग तो मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि लड़की दिखा दूं। अब तुम बताओ क्या करूं? दोबारा ही नहीं मान रहे। अरे तो क्यों नहीं मान रहा, वो क्या लड़की नहीं ब्यानी उसे? वो कह रहे हैं कि पहले सारा का रिश्ता करो फिर मायरा की बात करें। भाई ये फजूल की जिद। हाँ है तो फजूल की जिद, लेकिन कौन समझाए उन्हें। आजकल के लोग शरीफ और खूबसूरत लड़कियों को पसंद करते हैं। सारा है तो खूबसूरत, लेकिन क्या करूं, सदीकी साहब के बेटे के चक्कर की वजह से बदनाम होकर रह गई है। कह तो तुम ठीक रही हो नसीमा, मैं सारा का रिश्ता करवा दो, मगर उन लोगों को किसी ने कुछ बता दिया तो मेरी तो साफ खराब हो जाएगी ना। हाँ कह तो तुम भी ठीक ही रही हो। मैं तो कहती हूँ तुम छोटी वाली का रिश्ता पक्का कर दो, सारा के लिए मैं दूसरा रिश्ता देख। करती हूँ जुबैर से दोबारा बात। अच्छे रिश्ते बार बार नहीं आते, तकदीर एक मरतबा दरवाजे पे दस्तक देती है, सही वक्त पे दरवाजा खोल दो तो वारे के न्यारे, वरना। सलाम। वालेकुम सलाम, कितनी प्यारी है, अल्लाह नसीब अच्छा। नहीं मैं अपने रूम में बैठी हूँ। मैंने एक सेकंड होल्ड करना, होल्ड कर। हेलो। हाँ कुछ नहीं सारा थी। अच्छा एक सेकंड होल्ड करो। सारा मम्मी का है? अजरा खाल आई नहीं है उनके पास बैठी। अच्छा ठीक है, तुम नजर रखना अगर आए तो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, कपड़े इसलिए करने मुझे। Thank you.
अच्छा मैं अपने घर जा रही हूँ आंटी। अपने घर? हाँ वो मम्मी ने बुलाया ना। अच्छा ये बोलो कि मम्मी से मिलने जा रही हूँ। ऐसे तो ये घर भी तुम्हारा ही है जी। सॉरी। कोई बात नहीं, अब इस घर को अपना घर समझोगी तो बात बनेगी ना। मुझे अभी दिल भी लगेगा यार तुम्हारा। जी दिल तो लग गया आंटी। अच्छी बात। ये बताओ किसके साथ जा रही हो? सज्जाद तो ऑफिस गया मैंने। जी मम्मी को कहा था, वो ड्राइवर भेज रही है। और सज्जाद वापसी में मुझे पिक करके आएंगे घर। हाँ बेटा लेकिन सज्जाद को जरूर बता देना, तुम्हें तो पता है वो अजीब से टैंट्रम्स शो करना शुरू कर देता है, गुस्सा आना शुरू हो जाता है उसको। जी आप फिक्र ना करें, मैंने उनसे बात करी। ड्राइवर आ गया, मैं चलती हूँ, खुदा हाफिज़। ओके बेटा जल्दी आ जाना। जी पानी लो। सारा जी अम्मी अपने अब्बू के लिए पानी ले आओ। कोई काम मायरा से भी कह दिया करो, हर वक्त मेरे पीछे क्यों पड़ जाते हैं आप? वो भी काम करती है, ये कोई अनोखे काम तो नहीं करती। मैंने तो नहीं देखा मायरा को काम करते हो, सारा दिन कमरे में घुसी रहती, पता नहीं क्या करती। जीती रहो बेटी। क्या कर रही थी मेरी बेटी? अब्बू चावल साफ कर रही थी। अच्छा बेटा मायरा को भी अपने साथ लगाओ, उसे भी कोई काम सिखाओ। ये क्या सिखाएगी, आते हैं उसको सारे काम। जाओ बेटा काम। कभी तो नरमी से बात कर लिया करो बच्ची से, कभी तो दिल में खौफे खुदा पैदा कर लिया करो। हाय हाय क्या कहती हूँ मैं उसको। अजरा आप आई थी, बहुत इसरार कर रही है वो। मैंने तुम्हें पहले भी कहा जब तक सारा का रिश्ता नहीं हो जाता मायरा की बात मत किया। क्यों? सारा की खातिर सारी जिंदगी मायरा को घर में बिठाए रखेंगे क्या? मायरा अभी छोटी है, उसकी कौन सी उम्र गुजरी जा रही। अच्छे रिश्ते रोज रोज नहीं आते, ये बात आपकी समझ में क्यों नहीं आती? अगर आप कहें तो मैं अजरापा से कहूँ कि लड़के वालों को बुला ले। मैंने जो तुम्हें कहा है वो तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रहा? सारा के लक्षण भी तो क्या लक्षण लक्षण लगा रखी है तुमने, सब तुम्हारा किया धरा। कभी माँ बन के प्यार दिया उसे? कभी अपनी बेटी समझाया तुमने उसे? 22 साल हो गए हमारी शादी, मेरी आंखें भी हैं, कान भी, देखता भी हूं, सुनता भी, मगर चुप रहता, बर्दाश्त करता हूं। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि मैं अंधा बह रहा हूं।